सारे भाईचारा ने राम राम। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं एचबीएन 24 न्यूज। जैसे कि महाराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो महाराज जी जैसे ही आप आदमपुर में आपका काफिला आया था, तो आज आम आदमी पार्टी वालों ने बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने कान खड़े कर लिए थे। तो के चक्कर है आपका ऐसा के जादू चल रहा है कि उन्होंने कान खड़े करके आपकी तरफ देखने लग गए, आप तय कोई हायलो भी करने लग गए थे? बेटा ये सत्य है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं देख रहे हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और ये सत्य है कि संयोग से मुझे लगता है जब हम पहुँचे आदमपुर कार्यालय देखने के लिए, आप वहाँ पर थे और आम आदमी पार्टी वाले भी भाजपा वाले भी कान खड़े होने का अर्थ यही होता है कि भाई उनको एकदम भैंसा लगने लग जाना कि भाई बाबा जी तो आ गए हैं। अब चक्कर ये कुछ नहीं है, चक्कर केवल एक है कि अब जनता को कोई अवसर मिल गया है, जनता को कोई प्लेटफार्म मिल गया है, जनता को वोट डालने की जगह मिल गई है। और ये सारे के सारे जो ठेकेदार हैं, जो रुपयों के ठेकेदार कहते हैं, कोई गढ़ के ठेकेदार कहते हैं, कोई अपने इस पूरे इसको अपने कैप्चर समझते हैं, उन सब की अब छुट्टी होने वाली है। और जनता के द्वारा जनता के लिए बनाए जनता कल्याण मोर्चे की अब आदमपुर में जीत होने वाली है। तो इन 2 महीनों में आपने ऐसा क्या कर दिया कि गाँव के लोगों से, मैं मिला काफ़ी लोगों से, वो आपके भगत हो रहे हैं, जुकर रामपाल के भगत हो रहे हैं, राम रहीम के भगत हो रहे हैं, आपके भगत हो गए, वो कैसे हो गए? मेरे भगत होने की बात नहीं है बेटा, जनता इन सारी पार्टियों से त्रस्त और दुखी है। अब कोई कहता है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो 10 साल पहले उसको नकार दिया था, उसके बाद ऐसा अच्छा काम कौन सा कर दिया कांग्रेस को? तो अब दूसरी बात, कोई कहे कि भाई केजरीवाल आएगा, केजरीवाल कैसे आएगा? अभी केजरीवाल ने जब पंजाब के अंदर चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा कि भाई अगर हरियाणा में पंजाब में मेरी सरकार आ जाए तो मैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। ये कोई बात है, कोई तरीका है? और उसने ऐसा ही किया। पंजाब में जब आम आदमी की सरकार आई तो सबसे पहला प्रस्ताव पास किया हरियाणा प्रदेश के खिलाफ किया है, हरियाणा प्रदेश की जीवनदायिनी एसवाईएल को बंद करने का प्रस्ताव पास किया। कमाल है, ऐसा आदमी हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहता है। चलिए, जनता के लिए आपके वो कौन से मंत्र है जिससे कि जनता को लगे कि गढ़ में बैठे हुए बिश्नोई जी हमारे लिए ठीक नहीं है, बल्कि जेकेएम ही हमारा भला कर सकती है, हमें आगे बढ़ा सकती है, ऐसे कौन से मंत्र आपके होंगे? बेटा मंत्र की बात नहीं है, जनता कल्याण मोर्चा ये कहता है कि सरकार वो होनी चाहिए जिसमें आम जनता की हिस्सेदारी हो, और पहले दिन से हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप ये बताइए, प्रत्येक गाँव के अंदर प्रत्येक खंभे के ऊपर जो मीटर लगा हुआ है वो सभी का लगा हुआ है। कोई किसी पार्टी को अपना मानता हो, किसी नेता को अपना मानता हो, चाहे किसी का रिश्तेदार भी एमएलए एमपी बना हो, लेकिन सबका मीटर तो बाहर खंभे पर लगा हुआ है। ये मीटर पहले से 30 गुना ज़्यादा चलने वाले मीटर हैं। तो जनता कल्याण मोर्चा ये ऐलान करता है कि जनता की सरकार आएगी, ये 30 गुना ज़्यादा चलने वाले सारे षड्यंत्र मीटर हटा दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, दोबारा से वही पुराने सामान्य मीटर आएंगे। हम फ्री की बात नहीं करते, यहाँ का अधिकार की बात करते हैं। अगर मैं किसानों की बात करूं, किसान की दोबारा से कृषि कार्ड के बहाने सारी जमीन गिरवी रख दी गई है, और मिलता भी क्या है, जहां 20 लाख रुपए प्रति एकड़ सर्कल रेट होगा वहां पर मात्र 70,000-80,000 रुपए किसान को मिलता है, और उसके बदले में उसकी रजिस्ट्री कराई जाती है, अंगूठे लगाए जाते हैं। जनता कल्याण मोर्चा ये ऐलान करता है कि जनता की सरकार आएगी और किसान को भी उद्योगपतियों की तरह 75% मिलना चाहिए। जहां 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर का रेट होगा, कृषि कार्ड पर 15 लाख रुपए किसान को मिलना चाहिए ताकि अपना वो कार्य कर सके, अपने स्वाभिमान के साथ सम्मान के साथ जी करे। ये सारी पार्टी के लोग मिलकर लूटने का काम करते हैं। जनता कल्याण मोर्चा ये ऐलान करता है कि जब जनता की सरकार आएगी, किसान की सारी फसलों पर एमएसपी दी जाए। इस प्रकार से ये मंत्र की बात नहीं है, ये योजनाओं की बात है। हरियाणा प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, किसी का रिश्तेदार एमएलए क्यों ना हो, लेकिन सबको रोड के ऊपर रोका जाता है, सबसे टोल वसूला जाता है, अगर पैसे ना हो तो बेइज्जती करने के लिए सरकारी लोगों को खड़ा किया जाता है। ये कोई न्याय की बात है? ये कोई सरकारों की बात है? इसलिए मंत्र की बात नहीं है, जनता कल्याण मोर्चा सबके हक और अधिकार की बात करता है।
अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे आगे बेटा आप देखना, जब जनता कल्याण मोर्चे की जन कल्याणकारी योजनाएं गांव गांव तक जाएंगी, लोगों के कानों तक जाएंगी, इन सारी पार्टियों के पास किसी गांव में कोई आदमी इनके पास नहीं बचेगा, क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम गांव की, देहात की, जवान की, किसान की, महिलाओं की, खिलाड़ियों की, अधिकारियों की, हम मजदूरों की बात करते हैं, इसलिए कोई मंत्र की बात नहीं है। अब हम जनता के लिए, जनता का सहयोग मिलेगा और आदमपुर से आदमपुर का ये गढ़ टूटेगा, सारी पार्टी वालों का रास्ता दूर होगा, सारे आदमपुर से बाहर होंगे और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में जनता का राज होगा, जनता की आवाज़ होगा। इसलिए हम आज इस आदमपुर के अंदर, इस रण क्षेत्र के अंदर पहुंचे हैं। तो जैसे कि बिश्नोई जी इस सड़के को अपना गढ़ मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है, यानी इस चुनाव में जो हम एक तरफा जीत दर्ज करेंगे, वो कई बार कह भी चुके कि जो हमारे जीते 70,000 वोटर। गढ़ों की बात करते हैं ना, गढ़ तो रावण का भी टूट गया था, इतना इंकार होता है क्या? कमाल की बात, गढ़ कहने का अर्थ ये है कि जबरदस्ती अपनी पावर को दिखाना, अहंकार और घमंड दिखाना। मेरा ये मानना है कि आदमपुर में बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो हमारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे, बहुत सारी युवाओं की फौज जो हमारे संग और समर्थन देंगे, और जो लोग हमें कहते हैं कि बाबा जी एक बार आ तो जाना, दोबारा वापस नहीं जा पाओगे, ऐसी ऐसी बातें भाषा लिखने की जो लोग प्रयास करते हैं, वो लोकतांत्रिक लोग हैं, वो क्या प्रजातांत्रिक लोग हैं, वो क्या सामाजिक लोग हैं? इसलिए मुझे पूरा आस और विश्वास है कि अब हम आदमपुर के अंदर आए हैं और पूरे आदमपुर की जनता, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में कोई लोग हों, सब अंतरात्मा की आवाज़ पर हमारे को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और आदमपुर से जनता इस बार चुनाव जीतेगी, ये हम ऐसी बात मान कर चल रहे हैं। तो जैसे कि 2009 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश थे, इस बार फिर से वो मैदान में आ चुके हैं, जिसको लेकर बिश्नोई उन पर काफ़ी टिप्पणी कर चुके हैं कि उस टाइम वोट की चोट नोट से चली थी और काफ़ी इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं कि उन्हें नकली नोट चुनाव के अंदर चलाए थे। तो इस बार क्या लगता है कि ये काम दोबारा फिर से हो सकता है, क्या समझते हैं आप इस चीज़ को? बेटा ये तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत पूछ रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए जनता ने इन सारे प्रत्याशियों को प्रत्याशी नहीं माना है, उसमें जयप्रकाश जी हो, चाहे बेटा भव्य बिश्नोई हो, या फिर दूसरे प्रत्याशी जो भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जनता इनको नहीं मान रही है, जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, पहले भी चुनाव लड़के देखा है, यहीं पर थे, इसलिए हम उन बातों में हम कैसे जाएंगे? हमारा तो जनता से संघ है, जनता से सहयोग है, जनता से गठबंधन है, वो सारी जनता इनको सबको जवाब देगी, अभी तो आज ये केवल शुरुआत है, आगे आगे बढ़ते जाइए और जनता कल्याण मोर्चे के साथ लोगों का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा और ये लड़ाई हम जीत कर आगे निकल जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जनता कहती है कि कुलदीप बिश्नोई जी हमारे लोकल नेता है, लोकल लीडर है, हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं, आप 150 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं पानीपत से, यहाँ पर आप नामकरण कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता को लोकल उम्मीदवार से ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि यहाँ पे जनता का मानना है कि बाहरी उम्मीदवार को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जयप्रकाश के लिए भी लोग ऐसे कह रहे हैं कि जयप्रकाश तो बाहरी नेता है, आपके लिए भी शायद ऐसी बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई जी लोकल नाम से लोकल हो जाता है, आप हमारी तो जन्म तो कहीं भी होगा महात्मा का, तो जहाँ पर लोग इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, जहाँ हम होते हैं वही हमारा घर होता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी हमारी तो आप 100 किलोमीटर की बात करते हैं, वो तो इस देश से भी बाहर रहने का काम करते हैं। कल परसों मैंने खुद सुना था, भव्य बेटा ये स्वयं कह रहा था, किसी ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आप आदमपुर में कितने कैसे कैसे आप काम करते रहे, उसने कहा मैं हर चुनाव में विदेश से आता रहता हूँ, ये भव्य बेटा स्वयं कह रहा था। इसलिए जनता के बीच में रहने वाले लोगों को होना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर जी सारी उम्र रोहतक में रहे लेकिन करनाल से चुनाव लड़ा है, और दुष्यंत जी ने उचाना से चुनाव लड़ा है, ये कोई बात नहीं होती है, पूरे हरियाणा प्रदेश को जो अपना मानते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा है, ये गांव देत हमारा है, ये लोग हमारे, संस्कृति हमारी है, ये सारा हमारा अपना है, इसमें कोई दूसरी बात कुछ भी नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर आदमपुर और हिसार के चुनाव पर काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि पहले जो बाबा थे, जैसे कि मैं नाम भी ले दूंगा, राम रहीम जैसे बाबा थी, उनका चुनाव में काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी बार इशारा करते हैं कि जहाँ पर उनकी कहते हैं अपने सेवक को वहीं पर वोट डालते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे कि बाबा रामदेव या रामपाल या जैसे कि बाबा राम रहीम
क्या ये सारे बाबाओं का समर्थन हमारे पास रहने वाला है, सारे दरबार लगाने वालों का समर्थन हमारे पास रहने वाला है। जब आप महात्माओं की बात करते हैं, महात्मा तो सारे के सारे हमारे सिरमौड़ होते हैं, सब महात्मा हमारे सिरमौड़ हैं, चाहे उसमें राम रहीम जी हों या रामपाल जी हों, सभी अपने अपने आस्था के केंद्र हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो विशेष कार्य होता है, असली कार्य होता है, किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। हमें तो समाज के लिए कार्य करना है, गांव के देहात के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, हमें समाज के बीच में रहना है। हम उस बात को लेकर चलते हैं, हम दूसरों के ऊपर कोई कमी और बुराई की बात नहीं है, हम अच्छाई को लेकर चलते हैं, सच्चाई को लेकर चलते हैं। हम तो नया क्लेवर लेकर आए हैं, हम किसी के ऊपर छींटा कशी करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो जनता के साथ मिलकर चलेंगे। और मुझे ये आस और विश्वास है कि सारी जनता का हमें सहयोग मिलेगा, उसमें महात्मा भी होंगे, भगत भी होंगे और किसान भी होंगे, सभी व्यापारी दुकानदार सभी लोग होंगे, हमें सारा सहयोग मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये थे महाराज जिन्होंने हमारे साथ साक्षात्कार किया और इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। जय हिंद।